आप होटलों में जाकर खाना तो अक्सर खाते ही होंगे। इन होटलों में आपको खाना कौन देता है? एक वेटर, एक इंसानी वेटर। लेकिन अब अगर आपको एक रोबोट खाना सर्व करे तब आपको कैसा लगेगा? येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट में रोबोट खाना परोसते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। नोएडा के सेक्टर 44 में रहने वाले होटल संचालक जीशु बंसाल बताते हैं कि 62 सीटर रेस्टोरेंट में अलग अलग जगहों पर रोबोट के माध्यम से खाना परोसा जाता है। ये दिल्ली NCR का पहला रेस्टोरेंट है जहां रोबोट के माध्यम से खाना परोसा जाता है। रेस्टोरेंट में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, लेकिन खाने में इंडियन, मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, लेबनीज शामिल है। रेस्टोरेंट में कुल 20 लोगों का स्टाफ है। अगर दो लोग खाना खाए तो अधिकतम 700 से 800 रुपए खर्च होते हैं। इनमें रोबोट के द्वारा खाना परोसने का चार्ज भी शामिल है। रोबोट फराटेदार अंग्रेजी में पूछते हैं खाने में क्या लेंगे। खाना परोसते समय टेक इट फ्रॉम मी बोलते हैं। रेस्टोरेंट में राजस्थानी माहौल दिया गया है। स्वाद और तकनीक के उद्देश्य से इस रेस्टोरेंट को खोला गया। रेस्टोरेंट में दो रोबोट खाना परोसने के लिए लगाए गए हैं। रोबोट का नाम रूबी और दीवा है। जयपुर जाने के बाद आया विचार, जीशु बताते हैं कि रोबोट के माध्यम से खाना परोसने का विचार जयपुर जाने के बाद आया, जहां रेस्टोरेंट में रोबोट द्वारा खाना परोसा जाता है। द येलो हाउस की फ्रेंचाइजी के माध्यम से 16 अप्रैल को रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी। बच्चे और युवा रोबोट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।